जनता की सेवा के लिए एक विकसित मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। अब बुलडोजर भी चलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामय उपस्थिति में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में गरीब कल्याण महाअभियान का शुभारंभ और मध्य प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के विकास और गरीब कल्याण के रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि जिस मध्य प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उसे बेमिसाल विकास करने वाला राज्य कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 11,700 रुपए से बढ़कर 1,40,000 पहुंची है। ये बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जोड़ी ने सारे पैमानों पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला विकास किया है। मध्य प्रदेश में MSP पर गेहूं की खरीदी पूर्व में सिर्फ 4,38,000 टन थी, जबकि आज 70,97,000 मैट्रिक टन है। मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विस्तार करते हुए उसे 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने संबोधन में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की हर योजना को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर वर्ग तक पहुँचाया है, उस नींव पर आने वाले समय में हम एक बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। पूर्व में मध्य प्रदेश में SC ST और OBC वर्ग के लिए बजट केवल 1,056 करोड़ था, हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक पहुंचाया है। 20 साल की उपलब्धियों को देखें तो मध्य प्रदेश की विकास दर 16% से अधिक रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक दौर था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, उस बीमारू राज्य को विकसित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 से हमें आशीर्वाद मिल रहा है और डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश दुगनी गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को दुनिया का समृद्ध देश बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के भोपाल आगमन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजकीय विमानतल पर पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प क्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के स्मार्ट सिटी उद्यान में सारिका, इंडिका, कदम और नीम के पौधे रोपे।